आज हम लोग का फर्स्ट क्लास से पहले हम तुमको बहुत बेसिक से सिखाएंगे कैसे क्या होता है, मैक्स कैसे काम करते हैं, तो वो सब बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास ये 3ds Max ओपन हो गया है। तो 3ds Max क्यों बोलते हैं, 3D का मतलब होता है 3 और D का मतलब डायमेंशन, कि जहाँ पे डायमेंशन में क्या होता है, 3 साइड्स होता है, लेंथ विथ हाइट होता है ना, उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो हाँ, तुम देख पा रहे हो कि हमारे सामने ये स्क्रीन खुला हुआ है जिसके सामने 4 पेज है। टॉप व्यू, ये हमारा टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, लेफ्ट व्यू है और ये प्रोस्पेक्टिव व्यू है। 4 व्यू में हमारा सारा काम होता है। जैसे हम लोग कर रहे थे काम तो ऑटोकैड में, तो वो सिर्फ एक ही व्यू था, टॉप व्यू था, बट हमारे पास अभी 4 व्यू है। अरे 4 व्यू नहीं, ये 4 व्यू के सिवा भी और बहुत सारा व्यूज है हमारे पास। जैसे यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 व्यू है, और किसी को एनिमेशन काम करना होगा तो 2 व्यू में भी काम कर सकता है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारा व्यूज है, तो बेसिकली हम लोग 4 व्यूज में ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि 4 व्यूज में हम लोग डिटेल में सारी चीज कर सकते हैं एक करके, तो हम लोग इसके 4 व्यूज रखते हैं। और हमारे पास जो राइट हैंड साइड में देख रही हो, इसको बोलते हैं कमांड बॉक्स, कमांड टूल है ये वाला। इसमें जितना भी हम मॉडलिंग का जो भी काम करते हैं सब इसी से करते हैं। राइट हैंड साइड में जो सारा टूल्स बार है इसी से होता है। एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टूल बार है उसको बोलते हैं वीरे का टूल। ये सारा वीरे का टूल्स देख पा रही हो, जैसे लाइट है, लाइट लिस्टनर है, कैमरा है, सब वीरे का ही चीज है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे सारा वीरे प्लेन आ गया। ये वीरे मतलब कि लाइट का जब हम लोग काम करेंगे तब हमारा ये सारा चीज यूज होगा, बट फिलहाल हम लोग काम करेंगे वो है राइट हैंड साइड में। उसके बाद हम लोग जाकर देखेंगे ऊपर में हमारा जो है, ये जो टॉप व्यू में देख रही हो टॉप में क्या है, एडिट पॉलिश टूल्स है, ये सब हमारा टूल्स में हम लोग काम आता है, बेसिकली ये वाला टूल्स। इससे पहले अगर हमारे पास अगर पुराना वर्जन होगा 2010 या 12 होगा तो ये टूल्स तुमको जल्दी नहीं मिले देखने के लिए। रिबन वाला टॉगल, ये रिबन वाला है, इसमें हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन का टूल्स मिल जाएगा। इस तरीके से मॉडलिंग, फ्री फॉर्म, अब सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट पेंट, ये सब टूल्स तुम्हारा पहले नहीं होता 2010-12 में, अभी हम लोग के पास नया ये ला गया 2014 से, सही सब मिलता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा व्यूज है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू एंड प्रोस्पेक्टिव व्यू, सबको हम लोग बड़ा छोटा कैसे करते हैं, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, तो इसका दो तरीका होता है। पहला तरीका है कि इसको करें या लॉन्ग कट में करें। तो पहले हम लोग लॉन्ग कट में कैसे करेंगे, जैसे हम लोग क्लिक करना है किसी एक व्यू पे इस तरीके से माउस से, एंड जस्ट यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखो मैक्सिमाइज व्यू टॉगल, इसमें क्लिक करते तुम देख पाओगे कि हमारा जो व्यूज है वो बड़ा हो जा रहा है, और दोबारा क्लिक करने रहे तो छोटा हो जा रहा है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज हो रहा है। और फिर इसका शॉर्टकट की है क्या, ये हम लोग ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करके कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा अगर हम लोग ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस कर देंगे तो फिर वो पेज बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये देखो टॉप में कर रहे हैं, टॉप में हो जा रहा है। तो ये हो गया मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। हम लोग का ये सब काम जरूरत पड़ेगा, हम लोग मॉडलिंग करेंगे तब हम लोग को ये सब चीज जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला राइट हैंड साइड में जो हमारे पास कमांड पैनल है, इसी से हम लोग काम करते हैं। अरे कमांड पैनल हम लोग राइट क्लिक करके ये सब चीज देख पाओगे, यहाँ पे सबका टूल्स बार का सारा चीज लिखा हुआ, जो हमारा टिक लगा हुआ वो टूल्स हमारे पास देख पा रहे हैं। अगर इसको हम लोग क्लिक कर देंगे तो वो टूल्स हाइड हो जाएगा। तो हम लोग को ये कैसे यूज होता है, हेलो सर, हेलो का माउस को थोड़ा सा इधर साइड में करना पड़ेगा, ये इस तरीके से, ये देखो हिल रहा है। तो ये हम लोग कोई भी डिग्री में हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखो। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग को जो कमांड बॉक्स है, पहला जो हमारा टूल्स है वो है बॉक्स है। तो ये जो बॉक्स है वो कहाँ पे आया है, ये बॉक्स क्रिएट में आया है, ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री कहाँ पे, क्रिएट में है। तो जब भी तुम मैक्स खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आएगा, ऐसे ही सेटअप रहेगा। जैसे हम लोग ये क्रिएट है, ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के अंदर में ये बॉक्स आया, तो हमारा सारा जो काम है बॉक्स में ही आएगा। तो तुमको समझ में आ रहा है ना गरिमा, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है समझने में, नहीं तो फिर तुम पूछ सकती हो। हाँ, तो बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट माउस से अगर क्लिक करेंगे इस बॉक्स पर्सपेक्टिव व्यू में, तो तुम देख पाओगे कि सारा व्यूज में ऑटोमेटिकली सब जगह बन रहा है। जो टॉप था वो टॉप में बन गया, जो फ्रंट है फ्रंट में बन रहा है, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट जैसा बन रहा है। ये बेसिकली एलिवेशन भी बन जा रहा है ऑटोमेटिकली सारा चीज में। तो ये मूव टूल हम तुमको दिखा रहे थे। मूव टूल क्या होता है कि तुम कोई भी चीज को इधर से हम लोग मूव कर सकते हैं इस तरीके से। टॉप में करेंगे तो टॉप में मूव हो रहा है, अगर फ्रंट में करेंगे तो ऊपर नीचे की तरफ मूव होगा। तो सबका अलग अलग चीज है।
तो हम लोग को करना क्या है, इस मूव टूल को हम लोग प्रोस्पेक्टिव में चले जाएंगे। ये जो बॉक्स हम लोग जो बनाए हैं, इस बॉक्स का तो कुछ तो मेजरमेंट होना चाहिए, तो मेजरमेंट कैसे हम लोग चेक करेंगे ये बॉक्स हमारा जो है वो कितना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको कैसे घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे, ऐसे तुमने बताए हैं ऑल्ट दबा के प्रेस करेंगे माउस का कर्सर, और इसको हम लोग 360 डिग्री में कैसे घुमा सकते हैं पूरा इस तरीके से, या फिर तुम चाहो तो ये गेजमो ये है इसी से भी हम लोग घुमा सकते हैं ऑर्बिट के जैसा, ये ऑर्बिट जैसा घूम रहा है। तो बेसिकली सबसे अच्छा होगा क्या, तुम प्रैक्टिस करना ऑल्ट प्रेस करके और माउस का जो कर्सर है उसको प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, ये वाला अच्छा है। फिर हम लोग का ये जो साइज है जो बॉक्स में लगा रहे कुछ तो साइज होना चाहिए, तो वो साइज कैसे चेक करेंगे और कैसे साइज को एडजस्ट करेंगे, वो साइज को देखने के लिए तुमको जाना पड़ेगा। ये जो हम लोग जहाँ पे स्टार्ट किए थे क्रिएट में, उसी के बाजू में देखोगे एक रहेगा मॉडिफाई करके, मॉडिफाई में जैसे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा सारा मॉडिफाई का लिस्ट आ जाएगा, ये सारा मॉडिफाई लिस्ट है। इसका जो पैरामीटर्स है वो लेंथ है, और एक चीज और ध्यान देने की बात है क्या कि जो हम लोग काम करते तो हम लोग बहुत लोग अलग अलग यूनिट्स में काम करता है, कोई लोग मिलीमीटर में भी काम करता है, सेंटीमीटर में भी काम करता है, और फिट इंचेस में भी काम करता है, जैसे हम लोग ऑटोकैड में करते थे यूनिट सेटअप। तो इसमें भी एक यूनिट सेटअप है, वो कैसे देखेंगे हम लोग, कस्टमाइज में जाओगी और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली लिखा है यूनिट सेटअप, इसमें क्लिक करेंगे तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट जब भी तुम मैक्स खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट वो तुम्हारा इंच फिट में ही लेता है, जिसको तुम कस्टमाइज कर सकती हो, चेंजेस कर सकती हो। तो सिस्टम्स यूनिट्स में जाओगी और यहाँ पे देखो इंच किया हुआ है, तुम अगर मिलीमीटर में क्लिक कर दोगी तो वो सारा डायमेंशन मिलीमीटर में आना शुरू हो जाएगा, जिसको फिलहाल के लिए हम लोग काट देते हैं, इंच फिट में ही काम करेंगे फिलहाल के लिए। तो ये हो गया। अब हम लोग का जो लेंथ विथ हाइट है इसको हम लोग मेजरमेंट ऐसा देंगे कि एक बेड बन जाए। तो हम लोग को जो लेंथ होता है वो कितना देंगे, लेंथ हम लोग दे देंगे 7 feet, फिट, और ये जो विथ है वो दे देंगे 5 feet, एंड हाइट दे देंगे 18 inches। ये हो गया बेड, बेड का साइज देने से हमारा ये जो बॉक्स है वो बेड में कन्वर्ट हो गया। बट हम लोग को जस्ट ये बॉक्स बनाई, बेड को एंगल से लग नहीं रहा, इसको हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे और बनाएंगे तभी जाके बेड लगेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैंने बना दिया और इसका हेडबोर्ड बनाएंगे। हेडबोर्ड कैसे बनाएंगे, हेडबोर्ड उसके लिए हम लोग फिर से एक बॉक्स ले लेंगे, और तुम चाहो तो टॉप व्यू से भी कर सकते हैं या फिर प्रोस्पेक्टिव व्यू से। तो बेसिकली अच्छा होगा कि टॉप व्यू से करो ताकि हमारा देख पाएंगे कि कहाँ तक हमारा बॉक्स बन रहा है इस तरीके से। और ये जी प्रेस करने से ग्राफ ऑन ऑफ होता है, जी प्रेस कर रहे तो वो ग्राफ चला जाएगा और दोबारा जी प्रेस करने से वो चीज़ दोबारा आ जाएगा, ये देखो ऑन ऑफ बेसिकली। तो हम लोग इसको अभी चाहिए नहीं, तो हम लोग जी प्रेस करके हटा देंगे और फिर क्लिक करेंगे और इस तरीके से एंड जाएंगे पर्सपेक्टिव व्यू में। अब देखो हाइट बहुत कम है, तो हम लोग यहाँ से हाइट बढ़ा देंगे, ये लग देते लगभग 36 inches मतलब 3 feet, और इसका जो विथ है वो लग देते 2 inches का, और फिर अब एडजस्ट करेंगे यहाँ पे जाके, ये देखो। इसलिए हम लोग को जो सारा व्यूज है वो सबका हेल्प चाहिए हम लोग को, ये नहीं कि सिर्फ प्रोस्पेक्टिव व्यू में करें और कोई का हेल्प ना ले, क्योंकि अगर हम सबका व्यू नहीं देखेंगे तो हम लोग देख नहीं पाएंगे कि हमारा कितना कम बेस छोटा बड़ा आ रहा है, वो समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा हेडबोर्ड बन गया। अब हम लोग को क्या बनाना है, इसका साइड टेबल। साइड टेबल कैसे बनेगा, उसके लिए दोबारा बॉक्स लेंगे, हम लोग का अधिकतर काम बॉक्स से ही होगा भी, और आस्ते आस्ते जब हम लोग ग्रो करेंगे तो हम लोग काम करना शुरू करेंगे ये टेबल पॉली। उसमें क्या होता है कि एक बॉक्स से सारा चीज बन जाता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो उस बाद में दिखाएंगे, पहले हम लोग बेसिक टूल समझेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये बॉक्स में जाएंगे, बॉक्स को फिर से दोबारा क्लिक करेंगे, इसमें भी हम लोग साइज दे देंगे तो ये बन जाएगा साइड टेबल। तो साइज कितना होता है, 18 inches का होता है बेसिकली, सब 18 inches कर दे देंगे, और ये भी 18, और फिर हम लोग इसमें क्लिक करके इसको एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। एंड एक चीज, हाँ बोलो बोलो सर, ये जो डायमेंशनिंग है वो अपन जब अपन टॉप व्यू में बनाते हैं तब नहीं कर सकते? हाँ टॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन टॉप में क्या प्रॉब्लम होगा कि तुम लोग देख नहीं पाएंगे, सिर्फ टॉप का ही देखेंगे। मान के चलो तुमको अगर हाइट कम करना है तो तुमको कुछ असर पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है, तुमको समझ में आएगा कब, जब हम लोग लेंथ को कम बेसी करेंगे तब, लेंथ को देखो कर रहे तब हम लोग को देख पा रहे हैं, लेकिन हाइट नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग टॉप से देख रहे हैं। अगर हम लोग प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तब समझ पाएंगे कि हमारा कौन सा मेजरमेंट छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। तो इसलिए बेसिकली क्या होगा ना कि जब भी तुम मेजरमेंट का काम करोगे तो हो सके तो प्रोस्पेक्टिव में ही काम करना, ताकि तुम देख पाओगे तीनों डायमेंशन से। और टॉप में क्या है ना, सिर्फ टॉप को ही चीज दिखेगा,
लेंथ दिखेगा और विड्थ दिखेगा, हाइट नहीं दिखेगा. समझी? Yes, okay, 18 inch कर दिए सब में और फिर इसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से. ऑलरेडी हो गया एडजस्ट. और फिर करना क्या है, इसका बगल में हम लोग कॉपी कर देंगे इस तरीके से, ताकि हम लोग एक चीज को जो बना देंगे अगर सेम जरूरत पड़े तो हम लोग बार बार नहीं बनाएंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है. तो हम लोग करना क्या, कॉपी कर देना. बट हम लोग अभी भी कॉपी नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? पहले इसके अंदर में सारा ड्वायर बनाना है, पल्ला बनाना है, सब कुछ बनाने के बाद फिर इसको हम लोग कॉपी करेंगे, ताकि हम लोग को दोबारा चीज ना बनाना पड़े. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में हम सारा चीज बना लेते हैं. तो फिर इसके बाद एक ड्वायर बना लेते हैं. और ये ऑटो ग्रिड को ऑन करना बहुत जरूरी है. ऑटो ग्रिड क्या होता है, अगर ऑटो ग्रिड को ऑन नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, कि ये चीज को हम ऑफ करके दिखा रहे हैं. पहले ऑफ कर दिए, अब हम लोग को चाहिए यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए. तो बॉक्स देखो क्या हो रहा है, वो नीचे से पकड़ रहा है, मतलब कि ग्रिड पॉइंट, मतलब जीरो लेवल से वो क्लिक हो रहा है, मतलब कि ग्राउंड लेवल से बॉक्स बन रहा है. जहां पे मेरा कर्सर है वहां से नहीं बन रहा है. ये देखो फिर से मैं कर रहा हूँ, देखो नहीं बना, वो साइड में बन जा रहा है. लेकिन अगर हम लोग इसको ऑन कर देंगे ऑटो ग्रिड को, तब क्या होगा कि जहां हमारा कर्सर है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा. ये देखो, वो देखो पीछे नहीं आया, ये देखो पीछे नहीं आया, जहां था वहीं से बन रहा है. ये देखो मैं एक बड़ा सा बॉक्स बनाकर दिखाता हूँ. ये मान के चलो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम ऑटो ग्रिड को ऑफ कर देते हैं, ये मैंने ऑफ करा दिया. अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कर्सर कहाँ पे है, इस बॉक्स का ऊपर में है, टॉप में है. अब हम लोग कहाँ से बन रहा है, ये ग्राउंड से बन रहा है. तो मेरे को करना क्या है, इसका हमको जहां पे मेरा कर्सर है वहीं से बनाना चाहिए. तो कैसे होगा, उसके लिए हम लोग को ऑटो ग्रिड को ऑन करना पड़ेगा. ये देखो जहां पे माउस का कर्सर दिख रहा है वो वहीं से बन रहा है. तो इसलिए चीज ध्यान देना, ऑटो ग्रिड जो है बहुत लोगों को बहुत नहीं पता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है ऑटो ग्रिड, जिससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाए, फास्ट में हो जाता है. तो इसको हमेशा ऑन रखना है, ऑन कर दिए. और इतना विथ नहीं रखना, हम लोग को करना क्या है यहाँ से एडजस्ट. तो हम लोग करेंगे कैसे एडजस्ट, अब हम लोग जाते हैं फ्रंट व्यू में, क्योंकि हम लोग को सब व्यू का हेल्प चाहिए. तो फ्रंट में आ गए. अब देखो यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा थिकनेस जो है, थिकनेस नहीं, थोड़ा साइड का वो थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, लगभग इतना. एंड थिकनेस दिखेगा नहीं यहाँ से, तो हम लोग कहाँ से जाएंगे, थिकनेस के लिए यहाँ पे चले जाएंगे. थिकनेस कहाँ पे है हमारा, ये हाइट में हल्का सा रखेंगे बस. अब फिर से चले गए कहाँ पे, फ्रंट व्यू में. अब यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करा देंगे, नीचे में इतना जो बच गया, या फिर दोनों को पकड़ के क्या करेंगे, स्केल कर देंगे. स्केल क्या होता है, स्केल नहीं समझा, समझा देते हैं. स्केल मान लो तुम्हारे पास कोई और ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग अगर मेजरमेंट से करोगे तो ठीक है, यहाँ से भी होगा. अगर तुम स्केल से भी करोगे तो भी सेम है, ये भी स्केल से हो रहा है. बट स्केल से करने में प्रॉब्लम एक है, मेजरमेंट में करने से ठीक है, लेकिन अगर स्केल से करते हो तो कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाता है. क्या, कि साइज का प्रॉब्लम. क्योंकि जब भी तुम स्केल करोगे ना, तो साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे मान के चलो हम यहाँ पे दे दिए 10 feet का, मैंने एक बॉक्स रख लिया. जैसे मान के चलो मैंने एक 10 feet का यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना लिया इस तरीके से. अभी 10 feet इतना बड़ा है, ठीक है, ये नॉर्मल साइज बड़ा है. अगर हम इसको हम स्केल कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे, तब साइज पे देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा, 10 feet का 10 ही feet रहा. इसलिए जब भी करोगे स्केल का, तो बहुत ध्यान से करना, जहां पे जरूरत है तभी करना, या फिर नहीं करना. तो यहाँ पे जरूरत है तो कर लेते हैं. दोनों को पकड़ के हम लोग स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखो, ताकि हम लोग इसको एडजस्ट कर सके. नीचे में थोड़ा सा स्कैटिंग रहना चाहिए, रहने देते हैं हल्का सा, फिर थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ये रहा, ठीक है. फिर हम लोग को करना क्या, अभी देखेंगे ये पूरा बन गया है, तो हम लोग इसको कर देंगे ग्रुप. ग्रुप करने से फायदा क्या, अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ रहा है, या फिर कंट्रोल दबाओगे तब सब जाके वो सिलेक्ट होगा. कंट्रोल से होता है मल्टी सिलेक्शन होता है. इसको क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके दोबारा क्लिक करेंगे, एंड तीसरा क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि सब कुछ सिलेक्ट हो गया एक बार में. तो मेरे को इसको ग्रुप कर देना है. ग्रुप कैसे करेंगे, ग्रुप करने से क्या होगा कि एक ग्रुप में आ जाएगा ना, जब भी क्लिक करोगी तो वो एक क्लिक में सब कुछ क्लिक हो जाएगा, सारा चीज सिलेक्ट हो जाएगा. तो पहले मैं क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल दबा के, इसको भी और सबको. और यहाँ पे देखो ग्रुप का ऑप्शन बना हुआ, वहाँ पे लिखेंगे ग्रुप का नाम दे सकते हैं कुछ भी, या फिर नहीं भी दे सकती हो, एज यू लाइक, साइट टेबल. एंड ओके करा देंगे. एंड टॉप में जाके शिफ्ट दबा के कॉपी, ये हो गया हमारा साइट टेबल एंड बेड. अब क्या करना है इसमें, हम लोग को बोलो तो क्या करना चाहिए. इसका मैट्रेस लगाना होगा ना. मैट्रेस कैसे लगाएंगे, मैट्रेस लगाने के लिए तुमको जाना पड़ेगा
मैक्स चलिए प्रिमिटिव में, एंड यहाँ से लेंगे शैम्फर बॉक्स। ये ऐसा बॉक्स है जो साइड की तरफ में बहुत स्मूथ कर देता है। बॉक्स में क्या होता है, बहुत शार्प एजेस आता है, बट शैम्फर बॉक्स में देखो कैसा होएगा। क्लिक करेंगे एंड देन इसको हाइट, ये देखो ये हुआ कैसे। मॉडिफाई में भी जाओगे इसका जो है फ्लिप को जीरो कर देंगे तो फिर वो पहले बॉक्स जैसा हो जाएगा। क्या बोल रही हो, फिर से बोलो, आवाज ब्रेक हो रहा है। सर एक बार वापस मैट्रिक्स का बताना। हाँ हाँ, हम फिर से डिलीट कर देते हैं। देखो शैम्फर बॉक्स एंड नॉर्मल बॉक्स में फर्क क्या है पहले दिखा देते हैं। एक नॉर्मल बॉक्स है, ये मैंने एक नॉर्मल बॉक्स बना दिया, बॉक्स ले लिया, और ये हमारे पास नॉर्मल बॉक्स है। नॉर्मल बॉक्स में क्या होता है ना, नॉर्मल वाला में अगर तुम मॉडिफाई में जाओगे तो सिर्फ तुमको तीन डायमेंशन मिलेगा, लेंथ मिलेगा, विथ मिलेगा और हाइट मिलेगा। ये तीन चीज ही मिलेगा और इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा, वो बाकी सेगमेंट्स है, इसका जरूरत नहीं है अभी। फिर हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में। इसमें तुमको शैम्फर बॉक्स का एक टूल मिलेगा, उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो सेम बॉक्स के जैसा बना। बट इसमें एक चीज क्या है कि फिलिट का ऑप्शन है, अगर इसको हम जीरो कर देंगे तो यह बॉक्स और यह बॉक्स में कोई फर्क नहीं है, सेम है। बट इसमें एक एक्स्ट्रा टूल दिया गया है, वो है फिलिट, ये वाला। इससे क्या होता है कि जो तुम्हारा एजेस है साइड में वो बहुत स्मूथ और अच्छा हो जाता है। ये मैट्रिक्स के लिए या फिर कोई क्वेश्चन बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए जरूरत पड़ता है इस तरीके से। हाँ, ये समझ में आया क्या, या फिर से दिखाए तो हम यहाँ पे भी बना लेते सेम। ओके, एंड फिर इसको इस तरीके से मैट्रिक्स बना दिए, और यहाँ पे साइज है, साइज को भी एडजस्ट कर लेना। ये हमारा साइजेस है एंड ये ठीक है। टॉप से भी देख लेते हेल्प, देखो टॉप से समझ में आ रहा है कि इधर में कम है इधर ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। एंड टॉप से एक चीज और समझना है कि इसको लेंथ विथ हल्का और छोटा, ठीक है चलेगा। तो ये हमारा हो गया एक बेड मैट्रिक्स एंड साइड टेबल, सिर्फ बॉक्स से बनाए और भी कुछ यूज नहीं किए विदाउट एडिटेबल पॉली। तो यहाँ तक डाउट्स है तो बोलो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, इसका हम लोग बना सकते हैं इसका हैंडल बनाएंगे आज, और एक लास्ट करेंगे उसका टॉप व्यू में लैम्प बना देंगे। बस दो ही चीज और करेंगे, बाकी तुम प्रैक्टिस करना। तो इसका इसमें हम कैसे बनाएंगे इसका क्या बोलते हैं हैंडल, वो फिटिंग से हैंडल्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमको ले जाना पड़ेगा एक और व्यू में, या फिर इस व्यू में कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है ना कि हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी वो 3D में काम कर रहे हैं, तो इसमें छोटा सा पार्ट है वो है ऑटोकैड का पार्ट है, मतलब कि 2D का पार्ट। इसमें अगर तुम जाओगे स्टेप्स के अंदर में तो ये सब जो देख पा रही हो, लाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, इलिप्स, जो भी देख पा रही हो सब 2D में है। कैसे देखेंगे समझेंगे, बस क्लिक मैजिक करेंगे और ये देखो लाइन बन रहा है। कैसे बन रहा है, जैसे हम लोग करते थे ऑटो कैड में, सेम वैसे ही लाइन बन रहा है। ये एक लाइन है तो इसको हम लोग डिलीट कर दिए, हम लोग को यहाँ पे लाइन यूज करना है। बस क्लिक करेंगे लाइन में और शिफ्ट से होता है स्ट्रेट, और इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। बट ये लाइन को 3D में कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं, बस मॉडिफाई में जाओगे जहां पे हमारा मेजरमेंट सब रहता है, वहां पे रेंडरिंग में क्लिक करना और एनेबल टू रेंडर एंड व्यू पोर्ट, ये दोनों में ही क्लिक करने के बाद तुम देख पाओगे कि हमारे 3D में बन गया। बट ये काफी बड़ा आया है, पहले हम लोग इसको करेंगे रोटेट इस तरीके से, कितना डिग्री में, 90 डिग्री में, तब ये सीधा होगा। और तुम यहाँ पे देख पाओगे कि ये इसका साइज है और ये रिक्टेंगल शेप में, तो हम लोग को रिक्टेंगल रखना है एंड इसका जो साइज है वो कम कर देना है इस तरीके से, एंड इसका जो विथ है वो भी कम, ये देखो हो गया। एंड फिर इसको शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ, एंड फिर दोनों को सिलेक्ट करके इसका साइड में बगल वाला में, ये हो गया। एंड फिर क्या बोल रहे थे, हाँ इसका लैम्प बनाएंगे। लैम्प कैसे बनाएंगे, वो भी सेम जहाँ पे हमारा बॉक्स है जो हम लोग फर्स्ट में दिखा रहे थे बॉक्स, तो तुम देख पाओगे ये थर्ड नंबर जो है सिलेंडर है। सिलेंडर सिलेंडर कैसा होता है, पहले देखो सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर में क्लिक करेंगे, राउंड शेप में आता है। इसका पैरामीटर में जाओगे तो तुमको मिलेगा एक रेडियस मिलेगा और एक हाइट मिलेगा, इस तरीके से हाइट करेंगे और ये हमारा रेडियस है। और दूसरा ये जो है सेगमेंट है। सेगमेंट क्या होता है कि टॉप में दिखाते हैं,
कि देखो ये तुम देखोगे अगर ध्यान से अगर जूम करके देखोगे ध्यान से तो क्या होगा ना कि ये चीज प्रॉपर राउंड नहीं है। इसमें देखो ये बचपन से पढ़ी होगी शायद क्लास 8-9 में हेक्सागन स्टेप का, जिसमें बहुत सारा साइड्स होता है, तो इस साइड्स को हम लोग जितना बढ़ाएंगे वो उतना अच्छा राउंड होता है। तो ये इसको अगर इंक्रीज कर देंगे ना तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। तो बेसिकली सेगमेंट क्या होता है कि सेगमेंट डालने से अच्छा से हो जाता है, सारा शेप में आ गया स्मूथली। और भी सेगमेंट का बहुत सारा काम आता है, बाद में बताएंगे जैसे चीज सारा मॉडिफिकेशन में, सिमुलेशन में, कॉटन में, क्लॉथ में, सब में काम आएगा। तो ये सिलेंडर हो गया। अब मेरे को सिलेंडर में नीचे देखो यहाँ लिखा है स्लाइस, स्लाइस का मतलब कट हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ये कितना कितना चम्मच चाहिए उस हिसाब से ये कटिंग होगा। तो मेरे को फिलहाल कुछ नहीं चाहिए इसमें से, और सिर्फ इसको भी डिलीट, यहाँ पर जाके ले लेंगे सिलेंडर, इसका नीचे का पोर्शन एंड टॉप में जाके इसको एडजस्ट कर लेंगे कहाँ पे ठीक है, चलो चलेगा। थोड़ा सा हाइट हमको और देना चाहिए क्योंकि ये जीरो नहीं होना चाहिए, हल्का सा। और फिर एक और सिलेंडर, नीचे का बेस बन गया। अब हम लोग को बनाना है इसका टॉप का, तो वो क्या है कोन, कोन को रखेंगे टॉप में जाएंगे। कोन यूज कैसे होता है, ये कोन क्या होता है, ये बिल्कुल सिलेंडर के जैसा है, बट एक चीज में खासियत क्या है कि क्लिक करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, एस टाइप का शेप। इसमें भी तुमको तीन डायमेंशन मिलेगा, दो रेडियस मिलेगा, फर्स्ट रेडियस, सेकंड रेडियस एंड हाइट। तो फिर मेरे को यहाँ पे जाके करना होएगा, पॉप कर लेंगे, अभी बहुत अजीब से बन गया। मेरे को ठीक कैसे करना है इसको, दूसरा व्यू में जाएंगे, एलिवेशन मतलब कि फ्रंट व्यू में, और इसका हम लोग ये भी देखो लैम्प हो गया। अब जब भी हम लोग ले रहे हैं ना तो हर चीज का सब ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो जा रहा है। तो कलर कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे जाओगे सबको सिलेक्ट करोगे, कलर का ऑप्शन ये रहा, और यहाँ से ले लेंगे कोई भी कलर, एक ब्राउन ले लेता हूँ इस तरीके से, इसमें भी मैं कर देता हूँ इसमें से ओपन ये वाला, इसको भी कर देते ओपन। ओपन का मतलब कि ये बेसिकली जो ग्रुप था वो हो गया अनग्रुप, दोनों को सिलेक्ट करके इसको मैं दे देता हूँ सेम कलर ब्राउन वाला एंड इसमें व्हाइट। और इसमें ब्लैक। बेसिकली हम लोग जो कर रहे हैं वो मटेरियल करेंगे अच्छा से, अभी जस्ट कलरिंग कर दे रहे हैं, ये तो बेसिकली मॉडलिंग का है। हम लोग का जब मटेरियल क्लास करेंगे तब उसमें अच्छा से देंगे, जैसे कि टेक्सचर देना पड़ता है, वुडन टेक्सचर या लेमिनेट, जो भी देना होगा हम लोग मटेरियल में देंगे। ये इस तरीके से बेसिकली मैंने दिखा दिया। तो यहाँ तक कोई डाउट्स है तो पूछ लो, नहीं तो फिर इसको तुम प्रैक्टिस करना और दिखाना मेरे को बना के, अगर नहीं बना तो मेरे को फोन करना, मैं तुमको फिर हेल्प कर दूंगा। हाँ गरिमा, समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर, मैं प्रैक्टिस करके देखूंगी सर। हेलो, और कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर, एक बार मैं खुद करके फिर मैं आपको या तो व्हाट्सएप कर दूंगी या कॉल कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है, सबसे बेस्ट, ओके।